हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है फ्रेश टेक 7। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट रियलमी स्मार्टफोन्स के बारे में जो आते हैं अंडर 30,000। अगर आपको भी 30,000 के अंदर एक अच्छा स्मार्टफोन लेना है लेकिन आपको रियलमी का ही डिवाइस परचेस करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हमने टॉप 5 बेस्ट रियलमी के डिवाइसेस के बारे में बताया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता रहता हूं। सो गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5th पे है रियलमी X3। इस डिवाइस में आपको मिलने वाली है 6.6 इंचेस की फुल एच डी प्लस डिस्प्ले विद 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट सपोर्ट। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलने वाला है क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 855 प्लस, जिसमें आप पबजी जैसे हाई एंड गेम्स को मीडियम से हाई सेटिंग्स पर स्मूथली खेल पाएंगे। और अब बात करते हैं कैमरास के बारे में। इसमें आपको रियर में मिलेगा 64+12+8+2 MP का क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें 64 MP का प्राइमरी कैमरा, 12 MP का टेलीफोटो लेंस जिसमें 2x का ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 MP का माइक्रो सेंसर दिया गया है। और फ्रंट में आपको मिलने वाला है 60+8 MP का ड्यूअल सेल्फी कैमरा। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको मिलने वाली है 4200 mAh की बड़ी बैटरी जो आती है 30W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, जिससे आप एक बार चार्ज करने पे पूरे एक दिन तक का बैकअप आराम से मिलेगा। अब बात करते हैं रैम एंड स्टोरेज के बारे में। इसमें आपको मिलती है 8GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज। इस बजट के अंदर आपको तगड़ा गेमिंग चिपसेट मिलता है जिसमें आप तगड़ी गेमिंग कर पाएंगे और 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी दे रखा है, जिससे आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी स्मूथली एंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा डिवाइस में बढ़िया कैमरास प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें आप अच्छी खासी फोटोग्राफी भी कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की, वो है रियलमी X2 प्रो। बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इस डिवाइस में आपको मिलने वाली है 6.5 इंचेस की फुल एच डी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी दे रखा है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर मिलता है जो गेमिंग के लिए बेस्ट प्रोसेसर है और मल्टीटास्किंग को भी स्मूथली परफॉर्म कर पाएंगे। इसके अलावा पबजी को आराम से हाई सेटिंग्स पर स्मूथली खेल पाएंगे। बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। इसमें आपको मिलने वाला है 64+13+8+2 MP का क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें 13 MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है जो 5x तक का ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है और फ्रंट में 16 MP का सिंगल सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरास में आपको एकदम टॉप नॉच वाली परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बात करें बैटरी की, इसमें आपको 4000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जिसमें आपको 50W का वुक फ्लैश चार्ज का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। रैम एंड स्टोरेज में देखा जाए तो इसमें आपको 8GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। बजट के हिसाब से इस डिवाइस में बेहतरीन फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। Realme X3 और Realme X2 Pro में सेम प्रोसेसर दिया गया है। इन दोनों डिवाइसेस में आपको इक्वल लेवल की गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ये आपकी चॉइस है कि आप किस डिवाइस के साथ जाना चाहते हैं। दोनों ही डिवाइसेस अपने प्राइस रेंज में बेहतर परफॉर्म करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे नंबर स्मार्टफोन की, वो है Realme X7 Pro। इस डिवाइस में आपको 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले मिलती है जिसमें 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी दिया गया है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। इसमें आपको मिलने वाला है MediaTek Dimensity 1000 प्लस का चिपसेट, जो एक बेहतरीन प्रोसेसर है जिसमें आप पबजी जैसे हाई एंड गेम्स को हाई सेटिंग्स पर स्मूथली खेल पाएंगे और मल्टीटास्किंग को भी स्मूथली परफॉर्म कर पाएंगे। कैमरास में देखा जाए तो इसमें आपको रियर में 64+8+2+2 MP का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है और फ्रंट में 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। फोटोग्राफी के लिए ये डिवाइस बेस्ट कह सकते हैं। बैटरी की बात की जाए तो इसमें आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जिसमें 65W सुपर डॉट फास्ट चार्ज का सपोर्ट दे रखा है। रैम एंड स्टोरेज में आपको 8GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। वर्डिक्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि बजट के हिसाब से बेस्ट स्मार्टफोन है। सभी फीचर्स बेहतरीन दिए गए हैं, कैमरा क्वालिटी भी बेहतरीन देखने को मिलती है और प्रोसेसर भी काफ़ी तगड़ा दे रखा है, जिसमें आप हाई एंड गेम्स को हाई सेटिंग्स पर स्मूथली खेल पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 2 स्मार्टफोन की, वो है Realme X50 Pro।
बात करें इसके फीचर्स के बारे में, इसमें आपको 6.44 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की, इसमें आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 865 का तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसमें आपको फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और मल्टीटास्किंग को भी स्मूथली परफॉर्म कर पाएंगे। कैमरास में देखा जाए तो इसमें आपको रियर में 64+12+8+2MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें 12MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है जो 2x तक का ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है, और फ्रंट में 32+8MP का डुअल सेल्फी कैमरा दिया गया है। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में, इसमें आपको 4200mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जो आती है 65W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। इसके अलावा 8GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। मेरे हिसाब से इस डिवाइस में काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। सुपर अमोलेड वाली डिस्प्ले मिलती है जिसमें आपको अच्छी कलर क्वालिटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी दिया गया है, जिसमें स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, और प्रोसेसर भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है जिसमें आप हाई एंड गेम्स को स्मूथली खेल पाएंगे। इसके अलावा कैमरा परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 स्मार्टफोन की, वो है Realme X7 Max। इस डिवाइस में आपको 6.43 इंचेस की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलती है जो आती है 120Hz रिफ्रेश रेट के सपोर्ट के साथ। बात करें प्रोसेसर की, इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का पावरफुल चिपसेट मिलता है, जिसमें आपको फ्लैगशिप वाली परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप पबजी जैसे हाई एंड गेम्स को हाई सेटिंग्स पर स्मूथली खेल पाएंगे। कैमरास की बात करें तो इसमें आपको रियर में 64+8+2MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिससे आप बेहतरीन पिक्चर्स क्लिक कर पाएंगे। अब बात करते हैं बैटरी की, इसमें आपको 4500mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जो आती है 50W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। बात करें रैम एंड स्टोरेज की, इसमें आपको 8GB की रैम प्लस 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। तो दोस्तों यही थे हमारे लिस्ट के टॉप 5 रियलमी स्मार्टफोन्स अंडर 30,000। इन सभी डिवाइसेस में आपको हर डिपार्टमेंट में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, चाहे वो कैमरा परफॉर्मेंस हो या फिर मल्टीमीडिया हो या फिर गेमिंग, सभी डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। सो गाइस, अब आपकी चॉइस बनती है कि आप अपने लिए रियलमी का कौन सा डिवाइस परचेस करना चाहेंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।